So hello guys and welcome to the day 4 of 30 days and 30 career mode. And आज इस प्लेयर का हम कैरियर मोड खेलने वाले हैं, क्या ही बताऊं भाई, किंग कोहली यार, come on guys, पहला मैच होने वाला है CSK RCB, IPL से स्टार्ट होने वाला है, हालांकि CSK RCB के लोगो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो क्या होने वाला है मेरे को नहीं पता, बट रियलिस्टिक प्लेइंग 11 रहने वाला है 2024 वाला लेटेस्ट, बस कैप्टन वगैरह एंड विकेट कीपर वगैरह का नई सिचुएशन पता है, पहले ओवर कौन डाला ये नहीं पता है। एंड अगर तुम लोग विराट कोहली के कैरियर मोड का सेकंड पार्ट चाहिए तो इससे वीडियो के नीचे 100 लाइक कर देना, बाकी फिर बढ़ते हैं भाई। टॉस उछाल दिया, क्या लग रहा है सामने डेविन कॉनवे और CSK RCB, पहला ही मैच होता था, टफ दिया है तो हम अच्छा स्कोर करने का ट्राई करेंगे और बैट चूज करा है। ओके गाइस, विराट कोहली इनटू द अटैक, देखते हैं फिलहाल मुस्तफिजुर रहमान, अरे ठीक है, धीमा धीमा बॉल फेंक के फसाने का ट्राई, कोई बात नहीं, पहला बॉल इजी स्ट्राइक रोटेट भाई। मैं स्लोअर की बात कर रहा था, ये लोग शिवम दुबे को ले आए, अब इससे ज्यादा स्लोअर क्या ही हो सकता है भाई, मैं बोल ही रहा हूँ इससे ज्यादा स्लोअर क्या ही हो सकता है, कछुआ भी इससे थोड़ा तेज ही चलेगा, तो क्या बोलूं यार, मतलब इतना ज्यादा धीमा बॉल। कमन 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 कोहली कर सकते हैं, ठीक है गैप में है और यहाँ से दो का ट्राई करेंगे, काफी धीमा था तो उसका फायदा भी मिला, क्लोज से दो निकाल लिए, अभी थोड़ी बातचीत अच्छी बनी है, पावर प्ले में 50 आए एंड सामने की साइड पे पथिराना। ओके वही बात है, थोड़ा ऐसा बॉलर आए तो थोड़ी बातचीत बनती है, स्लोअर बॉलर आ रहा है भाई वो दिक्कत होती है खेलने में, बॉल देखना पड़ता है समझना पड़ता है, स्टार्ट में थोड़ा सबर करा तो आगे जाके फल मिल रहा है उसका। एंड फाफ डुप्लेसिस 25 पे 40, क्या बात है बिरो, हालांकि पीरो यहाँ पे ठीक है इजी 69 पे 1, परफेक्ट बॉल, अरे नहीं आउट क्यों है ये, परफेक्ट बॉल तो था ये, एक तो स्लोअर की वजह से समझ में नहीं आता, अरे यार अंपायर्स कॉल, अंपायर की कॉल की ऐसी की तैसी, कसम से बॉल भी लग के जाता फिर भी ना गिल्ली हटती, 17 रन बना के विराट कोहली आउट होते हुए। एंड सुपर किंग्स 1/7 विकेट, अजिंक्य रहाणे ने 60 बॉल में 96 नॉट आउट बनाए, यहाँ पे ना अपने को थोड़ा कंट्रोल पे थोड़ा फोकस करना है, रोइंग मशीन मीडियम पे करते हैं, जिम टाइम, इट्स अ जिम टाइम कोहली ओपी, एकदम इजी, कोई परेशानी नहीं है, अगर हम एक सेट की बात करें तो कम से कम 8 तो अपने को करने ही करने हैं, उससे ज्यादा कर लें तो काफी अच्छी बात है, टाइम देखने के चक्कर में क्यों रहता हूँ भाई, टाइम नहीं देखना चाहिए, समय आने से ऐसा खिंचता चला जाएगा, समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, समय के चक्कर में मत पड़ो, समय आजकल काफी ज्यादा सही नहीं चल रहा है। 8 हो गया, मिनिमम पकड़ लिया हमने, मैक्सिमम पकड़ना रह गया, 9 9 9 करना है, और क्या हम मैक्सिमम से एक पॉइंट और आगे जा पाएंगे प्लीज, कमन 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 कमन, 10 10 हो गया, अरे अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, अरे क्या बात है भाई, गोल्ड लेके आया अबे हम विराट कोहली से, अच्छी जिम करी है भाई, गोल्ड लेके आए और नेक्स्ट मैच भी PVKS के साथ में, फिलहाल RCB सेकंड पे चल रही है और अभी किसी टीम के मैचेस भी तो नहीं हुए भाई, हुए नहीं है फिर शो ही नहीं कर रहे हैं, पहला मैच RCB का, सेकंड मैच भी RCB के साथ, पता चल गया है क्या सीन है यहाँ पे, CSK नंबर 5 पे आ गई है और RCB नंबर 6 पे चल रही है, वही मुझे लग रहा था, अभी ये एकदम रियल पोजीशन है, RCB 6 पे ही चल रही है, अगर हम ये वाला मैच जीते तो आगे जा सकते हैं। ओके गाइस, तो पंजाब किंग्स ने यहाँ पे टॉस जीत के बोल फर्स्ट लिया है, मतलब कि आ गई अपनी बैटिंग, तो स्टार्ट में रन बनाना इतना इजी होता नहीं, बट कगिसो रबाडा सामने की साइड पे, पाफ ने स्ट्राइक रोटेट कर लिया पहले बॉल पे, तो अपने को साथ देना चाहिए, अच्छा कवर ड्राइव कनेक्शन है और यहाँ पे इजी दो मिल सकते हैं, अच्छी रनिंग के साथ में दो निकाले, जब तक रबाडा का रन आ पाएगा भाई मैं सो जाऊंगा, मतलब कोई बात नहीं है, फिलहाल यहाँ पे सुलाया है, अच्छा टाइम करा है, गट शॉट पहले ओवर पे 11 आया, अच्छा ओवर गया, तो आप डुप्लेसिस का विकेट डाउन हो चुका है, एंड सामने की साइड पर रबाडा दोबारा से देखने को मिलना है, विल जैक्सन, ओके कवर ड्राइव शॉट कनेक्शन अच्छा था, बट फील्डर ना होता क्योंकि मैं जितना भी गैप में खेलूंगा वो ऐसा आगे मेरे को ज्यादा ऐसा फायदा दिलाने वाला है। ओके कवर ड्राइव, अच्छा परफेक्शन, और मिल गया भाई, वो जैसा परफेक्शन है समझ में आता है मिल जाता है, तो अभी आप ये लोग एक स्पिनर को लेके आए जिसका नेम है लियाम लिविंगस्टन, नहीं नॉट आउट है भाई, मैं नहीं खेला, ये आउट है तो मैं नहीं खेला भाई, ओके हाँ नॉट आउट है भाई, मैं सोचू पैर पूरा रखा है, आउट किस बात का है, पावर प्ले के बाद बीच के ओवर कहाँ पे चले गए, फिलहाल यहाँ पे बैक फुट पंच है, कवर्स पे चौका है, बट बीच के ओवर चले गए एंड साथ में विल जैक्स भी चले गए, एंड ये शॉट अच्छा है विराट कोहली, कोई बात नहीं, लियाम लिविंगस्टन थोड़ा स्लॉट में बॉल ले गया, मैं इसी का वेट कर रहा था, एक स्लॉट बॉल है मैं उसको कवर्स के साइड पे खेल जाऊँ और वन बाउंस चौका, हालांकि यहाँ पे थोड़ा भागने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए बट फिर भी अच्छी है, एक और डाउन द ग्राउंड का ट्राई कर रहा है,
गैप में गया और इस बार ही सीधा चौका मिलेगा यहाँ पे। लिविंगस्टन भी थोड़ा सा प्लान करके आया है, उसने भी वहाँ पे फील्डर लगा दिया। ये फसाऊ था क्या? आई थिंक फसाऊ नहीं होना चाहिए, और नहीं है भी यहाँ पे। मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा गैप था, वहाँ पे खेला था। लाइक इस व्यू से देखना तो बॉल देखना कहाँ टप्पा खा रहा है, तो वहां से थोड़ा गैप था, मैं उधर देखा था, बट ज्यादा अच्छा कनेक्शन। ओके, विराट कोहली सामने की साइड पे, सैम करन पहला बॉल ही, मतलब पैरों पे यॉर्कर बॉल दे रहे हो विराट कोहली को, वो भी इतना अच्छा गैप वहां पे दिख रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें ठीक है, बट ये चीजें, ये हरकतें आपकी अच्छी नहीं है फिलहाल। फिलहाल बच गया भाई, थोड़े से रिस्की शॉट में कम ही खेल रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे जरूरत लग रही थी क्योंकि गैप अच्छा खासा था। दो का ट्राई करने वाले हैं और नहीं, विकेट कीपर के पास भी होगा, मैं डर गया भाई। ने डाइव मारी और 32 बॉल्स पे 67 चौके लगाए हैं विराट कोहली ने। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैच था, विराट कोहली की पारी चाहिए थी यहाँ पे। और कट शॉट, अच्छा गैप, अच्छा शॉट, और क्या रुकेगा, चौका ही है भाई। यहाँ से थोड़ा इनिंग्स को पुश करने का ट्राई रहेगा क्या? ओके ओके, स्लॉट में बॉल है, हिट करा है कवर्स के साइड पे, वहाँ पे फील्डर है, बट इतना ज्यादा बाउंस है क्या ही बोलूं। वन बाउंस और सीधा शरद पार। सैम करन ने दो विकेट निकाले, गैप अच्छा दिख रहा है, और ठीक है भाई, शॉर्ट बॉल लेके आए थे यहाँ पे, बल्ला घुमाया और आई थिंक पहला छक्का है या फिर चौका ही है, पहला छक्का है भाई, मतलब सेकेंड मैच में, वो भी शॉर्ट अच्छा था, अच्छी टाइमिंग के साथ में। बाकी ओ यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव, गया 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 गया, यहाँ किस्मत ही खराब होगी भाई, यहाँ घर भी जा सकते थे। बाय द वे गलत है यार, गिल्ली ऑलरेडी हटी हुई है, तो स्टंप निकालना चाहिए भाई उसको एक हाथ से। बट गो इन अ वेल प्लेड, 39 बॉल्स में 67 बना, मतलब लास्ट मैच से फिर भी कमबैक अच्छा कर लिया भाई, बट उतना ही जरूरी, मैच को जीतना भी था, बट मैच जीते नहीं है यहाँ पे हम लोग। पंजाब किंग्स मैच जीत गए भाई, विराट कोहली अच्छा स्कोर करा 39 पे 67, तो काम तो कर दिया। बट भाई सिराज क्या है भाई, कैप्टनसी मेरे को दे दो इससे बढ़िया। एंड RCB 7 नंबर पे चलिए, लगातार दो मैचेस हार चुकी है। बे यार सिराज भाई गलत सीन हो रहा है, नेक्स्ट मैच अपना KKR के साथ में है। RCB ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट लिया है, मतलब पता नहीं इनको क्या लग रहा है, बैट फर्स्ट ले रहे हैं, बॉलिंग अच्छी चल नहीं पा रही, डिफेंड ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। दानिश भाई मैच आई थिंक हो रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो देखते हैं फिर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पहले बॉल पे वार्निंग पड़ गई है, यहाँ से ट्राई करते हैं गैप में, गैप में गए हैं और दूसरा आ सकता है क्या? रहन दो। रदर फोर्ड को लेके आया, बात अलग है, आप डुप्लेक्सिस डाउन हो गए, ये मैंने अभी देखा है। 2-1 जब मैंने देखा, मैंने कहा भाई कब डाउन हो गया, आए और गया पता ही नहीं चला। फिलहाल यहाँ पे एक कवर ड्राइव शॉट विराट कोहली के बल्ले से, अच्छा कनेक्शन है और इस मैच का पहला चौका भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैचेस से हम काफी ज्यादा स्लो खेले, तो भाई 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 विराट कोहली अलग ही भाई, जब अग्रेशन में खेलते हैं अलग ही मजा आ जाता है। फिलहाल कवर्स पे वन बाउंस चौका, थोड़ा सा मेरे को ये लोग और स्पेस दे दें तो मैं और अच्छे शॉट खेल सकता हूँ। ओके ओके ओके, जगह मिली है तो शॉट खेलने गए हैं, लास्ट टाइम उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, इस बारी थोड़ा ज्यादा परफेक्ट समझा, और समझा है तो ग्राउंड के बाहर, और सिक्स आया यहाँ पे। कमन कोहली, ओ ग्राउंडेड, मैं सोच ही रहा था थोड़ा अग्रेसिव मोड में तो है ही, तो फिर एक ग्राउंडेड जब कवर ड्राइव चौका आएगा तो अलग ही लगेगा। ओके, प्लान अच्छा लेके आए थे, बट सामने इनके पड़ गए थे विल जैक्स, और देखते हैं भाई वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। गैप का फायदा है तो मिलेंगे रन, गैप को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए खेलना है। स्लोअर बॉल आएंगे बीच, मतलब ऐसा बीच में दो आ सकते हैं भाई यहाँ पे तो। ओके ओके ओके, अच्छी रनिंग, दो निकाले भी हैं 19 बॉल्स में, बैक टू बैक 50, बट लास्ट मैच में 50 हुआ था, हाँ हो गया था, बैक टू बैक 50 है भाई, 19 बॉल्स में 50 है। कोई ना, कोहली वेल प्लेड, पहला मैच ही जैसा कुछ गया था। यहाँ पे एक अच्छा कवर ड्राइव है, और अच्छा कवर ड्राइव है तो दिखता भी है क्योंकि चौका लगा है। रैंकी भाई मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गैप में शॉट खेल जाऊँ अगर बॉल, अबे यार शिट भाई, ये मत कह दियो ये भी आउट है, अंपायर्स कॉल हुआ, मैं नहीं खेला भाई फिर, नॉर्मली है तो कोई बात नहीं, अंपायर्स कॉल मत बोल दियो, इम्पैक्ट इन लाइन है, अंपायर्स कॉल भाई, ये क्या, ये आउट होता भाई, घंटा आउट होता, ये कतई नहीं आउट होने वाला था। 25 बॉल्स पे 62, यार क्या हो रहा है, स्लोअर बॉल पे कितना गंदा फंसेंगे अब हम, नहीं कर सकते भाई अब कुछ। श्रेयस अय्यर ने 28 पे 57, कोई नहीं सकता भाई कुछ, एक बंदा कहां तक स्कोर करेगा, बैक टू बैक 50 मारा हमने, और क्या चाहिए तुमको भाई। ओके विराट कोहली बैटिंग में
टॉप पे चल रहे हैं भाई, प्लेयर ऑफ द सीरीज में टॉप पे चल रहे हैं भाई, 146 रन के साथ में विराट कोहली टॉप पे है एंड आरसीबी नंबर 9 पे चल रही है। भाई लखनऊ टॉस जीत गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज बैटिंग ले लो यार लखनऊ, और लखनऊ ने बैट ले लिया भाई। इतना भाई सीन हो रहा था अभी तक, दिमाग खराब हो गया, बट थैंक यू केएल राहुल को भाई, थैंक यू बोलो सभी आरसीबी फैंस। लगातार 3 मैचेस आ रहे हैं भाई, कोहली की बैक टू बैक सेंचुरी आई है 2 मैचेस में हो गई, तो मैं स्कोर कार्ड देखने आया हूं, 64 बॉल्स में 103 केएल राहुल का स्कोर है। यहाँ पे टारगेट है 153 का, उतना ज्यादा टारगेट नहीं है। सामने मोशिन खान, ओके ओके ओके, विराट कोहली इस बारी चेज मास्टर चेज के मूड में रहने वाले, क्योंकि लगातार 3 मैचेस आ रहे हैं तो यहाँ से कमबैक बनता है भाई, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, अगर हमने नहीं करी तो और भी कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो वैसे हो नहीं पा रहा है, बट फिलहाल यहाँ पे 2 बॉल पे 10 रन मार दिए विराट कोहली। ओके गाइस, सामने की साइड में नवीन उल हक, ओके ओके ओके, एंड भाई पाप का विकेट डाउन है। नहीं भाई ये नवीन नहीं है, नवीन उलग नाम का है और प्ले बेस का है, फेंकने का स्टाइल अलग है भाई इसका। गेम वाले क्या कर देते हैं भाई, नवीन उलग को मलिंगा बना दिया। वो बात नहीं है, विराट कोहली वैरायटी है, वो भी कह रहा तू भाई तू कोई सा भी स्टाइल लिया फेंकने का, तेरे को तो मार पड़ने वाली है। कम ऑन, गैप 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 का फायदा, गैप में बॉल को भेज जा और रन मिलेंगे यहाँ पे भी। जहाँ पे इजी मिल रहे हैं तो पहले हम इजी के साइड पे जाएंगे, बाद में कहीं और जाएंगे ना, मतलब जहाँ पे तो फिर टफ है तो वहाँ पे तो अलग की बात है, जहाँ पहले इजी है पहले वहाँ से रन निकालो ये गलत बात होती है। अब शॉट बनता है, ओके मैं बोल ही दिया था अब की बारी शॉट बनता है, और बनता है मतलब बनता है, क्योंकि अगर बॉल अपने बॉडी पर टच हो रही है तो मतलब वो जाने वाली है। और क्या बात है, बाउंसर लेके आए थे यहाँ पे, पुल कराया विराट कोहली ने, बॉल को पहुंचाया ग्राउंड के बाहर, बैक टू बैक बोलूं, ट्रिपल बैक टू बैक बोलूं, क्या बोलूं, 18 बॉल्स में 50 आया है, क्या बात है भाई, अलग ही बैटिंग चली है। विराट कोहली ओपी इन द चैट गाइस, गैप और एक और चौका, पावर प्ले में तगड़ा सोच के रखा था क्या हिट करने का, ऑलरेडी तगड़ा कर दिया, और यहाँ पे एक डाउन द ग्राउंड शॉट है या फिर आउट ऑफ द ग्राउंड शॉट है भाई विराट कोहली का, क्या शॉट है भाई ये, क्या ही कनेक्शन है। इस बारी ट्राई करता हूँ भाई, भाई भाई शॉट का ट्राई तो कर रहा है मैंने, और अच्छा गैप चूज करा था, रूम बहुत ज्यादा ही बनाया, फायदा मिला उसका और गैप कम है, यहाँ पे थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा और 2 का ट्राई रखते हैं। दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है, क्या लगता है, मैं बोल तो रहा था मैं, दिक्कत तो है, आई थिंक बच रहे हैं, आई थिंक बच रहे हैं विराट कोहली, बच गया बच गया बच गया बच गया भाई, विराट कोहली क्या डाइव मारी है, बच गए भाई, क्लोज हो गया था ये। एंड वेट भाई, सीन काफी थोड़ा बहुत गंदा नहीं है, काफी ज्यादा गंदा है, रुक जाओ। यहाँ पे सीन क्या हुआ था, रजत पार्टी था 23 पे डाउन, समर जोसेफ ने बोल्ड आउट कर दिया था, एंड कैमरन ग्रीन फिर आया, उसने भाई 4 बॉल पे 6 रन बनाए एंड उसको भी बोल्ड आउट मार दिया समर जोसेफ ने, प्रेशर है भाई, और जब सामने विराट कोहली हो तो और भी ज्यादा प्रेशर होना चाहिए भाई। 2 विकेट निकाल लिया समर ने, 10-2 है, अरे भाई 10-2 है, मैंने देखा ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पे शॉट कनेक्शन अच्छा है और ग्राउंड के बाहर है भाई, 10-2 डीके ने यानी कि भाई रख दिया है, अच्छे खासे शॉट रखे हैं डीके ने, 6 के बिना ऐसा काम तो नहीं बनने वाला है। कमॉन विराट कोहली, नहीं यार नहीं 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 इजी भाई, इतना क्लोज आके सेंचुरी मिस हो जाए ऐसा ट्राई तो नहीं करेंगे, हो ही गया भाई, मैच चौका मार के फिनिश कर दिया, बट 43 पे 99 रन, आरसीबी मैच जीत गया, बट विराट कोहली को यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, बट सेंचुरी से हम थोड़ा सा रह गए, बट कोई बात नहीं यार, कभी कभार कुछ 99 भी स्पेशल हो जाती है, सेंचुरी कोई बात नहीं है। केएल राहुल की भाई 103 आए थे ऐसा नो डाउट, बट विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला जबकि विराट कोहली का 99 है ऐसा नो डाउट। 4 मैचेस में पहला मैच अभी हम लोग जीते हैं, नेक्स्ट मैच आ रहा है के साथ में, एंड आरसीबी अभी नंबर 5 पे आ गई है, विराट कोहली गाइस टॉप 1 पे चल रहे हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज में भी टॉप 1 पे चल रहे हैं, बट केएल राहुल की 103 भाई, हम लोग क्लोज थे, ज्यादा बना सकते थे, बट वही बात है उतने रन अगर होते तो कुछ बात बन जाती। ओके गाइस, अब आरआर ने टॉस जीत के बोल फर्स्ट लिया है, तो मुझे लग रहा है भाई आर ने की फिर से बारी आ गई, क्योंकि अभी तक ऐसा सीन हो रहा है जिसमें भी अपनी टीम की पहले बैटिंग आ रही वो मैच हम लोग हार ही रहे, बट लास्ट मैच में सेंचुरी के क्लोज नहीं गया था भाई, 99 ही बना दिए थे, बट नांद्रे बर्गर सामने और स्टार्टी वाइड बॉल से करा है। बट मैं अगर एक चीज नोटिस करूं तो लास्ट मैच में मैंने जब ऐसा तगड़ा स्टार्ट मारा था तो उसका फायदा देखने को मिला था,
क्या वो चीज हम दोबारा करके ट्राई कर सकते हैं? फिलहाल यहाँ पे हम शॉट मारने के लिए तो गए, बट कितना फायदा दे रहा है वो देखने वाली बात है। और कवर्स के ऊपर से पहला सिक्स है। फिलहाल यहाँ से आज मैं शायद डिफिकल्टी दिखाया नहीं हूँ, ये लो लेजेंड हार्डेस्ट है। ओके ओके ओके, डंडना डंडन, बढ़िया। वही मैंने सोचा शॉट का ट्राई करते हैं और मारेंगे भाई, आज तो और मारना है। चार बॉल पे दो शॉट, मतलब दो तो शॉट ऐसा मारे हैं। और फिलहाल यहाँ पे एक प्यारा सा स्मूथ कवर ड्राइव शॉट भी, बर्गर को अपने सामने शायद ही ऐसा बॉल मिल जाए अगर हम लास्ट तक ऐसा खेल रहे हैं तो देखो अलग की बात है। फिलहाल इस मैच में मारने के मूड में कोई भी आ जाए सामने। और आवेश भाई आ गए, हो गए यूजी चला है। गैप उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट जितना दिख रहा है उतने में ट्राई करेंगे। क्या शॉट है ये, क्या कनेक्शन है भाई, शॉट की बातचीत अलग है, कनेक्शन देखो क्या ही तगड़ा है भाई, क्या ही तगड़ा। गैप दिख रहा है तो हम पहले गैप में जाएंगे ना, और कहीं पे हम क्यों ही जाएं, मतलब क्यों ही जाएं भाई, जहां गैप है हम पहले वहां पे जाएंगे, बाकी का देखो इनके ऊपर है। ये क्या खेल रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट स्टार्ट हमने अच्छा दे दिया। और यहाँ पे 49, कमन कमन कमन, विराट कोहली ईजी। और यहाँ पे टाइम करा है, अच्छा टाइम करा है तो टाइम के रन मिलेंगे। क्लास दिखाया है यहाँ पे विराट कोहली ने, 17 बॉल्स, मतलब 19 बॉल्स में 50, फिर 18 बॉल्स में एंड अभी 17 बॉल्स में 50 विराट कोहली के बैट से। शॉट बाजी करती है भाई इस वाले मैच में, और थोड़ी ज़्यादा तगड़ी करती है, मतलब करी तो है बट थोड़ी सी ज़्यादा तगड़ी करी है। मुझे लग रहा है गलत टाइम पर इनका मैच हो गया RCB के साथ में। विराट कोहली जब फॉर्म में है तब इनका मैच हो गया है RCB के साथ में। और यहाँ पे कवर्स के ऊपर से सिक्स है, एंड पार्टनरशिप गाइस 69 की होगी, जिसमें 62 रन आए हैं विराट कोहली के बैट से। हो गई अवेश खान दोबारा से, तो पावर प्ले के अंदर रिकॉर्ड बनाएंगे, बस बात खत्म है भाई। फाफ ने तुरंत ही स्ट्राइक रोटेट करके अपने को स्ट्राइक दे दिया है। फाफ ने भी बोला है छोड़ना तो गता ही नहीं है, जब विराट चल रहा है तो उनको स्ट्राइक दो और ज़्यादा खाने दो मार सामने वाली टीम को। अच्छे शॉट कनेक्शन चल रहे हैं फिलहाल, और कनेक्शन अच्छे चल रहे हैं। गैप में टोटली हम खेल रहे हैं, कहीं और नहीं खेल रहे हैं, गैप में खेल रहे हैं तो रन मिलेंगे। ओवर का लास्ट एक सिक्स का ट्राई रहेगा, और शिट शिट भाई, इसीलिए सिक्स बोला था मैंने, बट कोई बात नहीं है। चौका लगाया और 87-0 पावर प्ले का स्कोर। ओके ओके ओके, मुझे पता था ये जिस हिसाब का फील्ड सेटअप है ना, मैं पहले देख लिया था तो मुझे लग रहा था थोड़ा अंदर के साइड में बॉल देने वाला है। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा रूम बना लिया मैंने, और उसका फायदा देखने को मिला है, ऊपर से प्लेयर के शॉट मारा है। अभी अच्छा बॉलर फंसा है ना भाई, नांद्रे बर्गर 118 की पार्टनरशिप, एंड अभी बर्गर आया। ओके देखते हैं बर्गर भी, बट स्लोअर बॉल। अच्छा मैंने ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा दूरी से ये चीज़ आई है, एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने यहाँ पे स्लोअर बॉल आने वाला है, बट बर्गर ने फुल प्लान करा था फंसाने का। मुझे लगता है बर्गर को पता नहीं है विराट कोहली भी आज बर्गर खा के आए। और क्या बात है, यॉर्कर कर दिया था फुल टॉस कनेक्शन, गैप में शॉट है और वन बाउंस चौके के साथ में 41 बॉल्स में किंग की सेंचुरी आई है गाइस। लास्ट मैच में 99 पे मतलब ऐसा नॉट आउट थे, बट इस मैच में भाई सेंचुरी आई है 41 बॉल्स में। ओके ओके, जब तक गैप है तब तक गैप में ही चलने वाले हैं, और गैप अगर नहीं मिलेगा तो फिर अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं मिल रहा, एक रन लेता हूँ तो सामने वाला प्लेयर ऐसा स्ट्राइक देता नहीं है, बट क्या बात है, यॉर्कर कर दिया था फुल टॉस कनेक्शन और एक और चौका यहाँ पे 23-41। रियान अच्छा मारा है, अरे रियान को देख के रियान का ही नेम आ गया, बट विल जैक्स ने अच्छा मारा है। रियान बराक को मिल गया ओवर के पहले बॉल पर विकेट, बट ये विकेट वो खुश हो जाए, बट ये खुश होने वाली नहीं है। इतना गंदा जो विराट कोहली ने मारा है, 54 बॉल्स पे 124 रन, क्या ही मारा, 17 चौके मारे हैं, एंड क्या बात है भाई, प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे विराट कोहली को। हालांकि मिलना ये तो था ही कंफर्म, बट मिला है तो ज्यादा ऐसा खुशी हुई है। विराट कोहली को एक और प्लेयर ऑफ द मैच मिला यहाँ पे। RCB won by 22 runs, by 224 ऐसा टोटल रन बने थे। मैच जीत गया सबसे अच्छी बात, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है एंड 124 रन, और RCB नंबर 3 पे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। ओके गाइस, तो 369 रन के साथ में विराट कोहली टॉप वन पे चल रहे हैं यहाँ पे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज में विराट कोहली टॉप वन पे, टॉप स्कोर में 124 का स्कोर विराट कोहली, टॉप पे 11 सिक्सेस मारी हैं, मोस्ट सिक्सेस में विराट कोहली 11 सिक्सेस के साथ में। तो विराट कोहली की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी चल रही है, एंड फिलहाल कुछ डेज अभी मैं ऐसा आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मेरे को पता चला RCB नंबर 5 पे है,
तो मतलब अभी आरसीबी के लिए झंझट ऐसा बरकरार है, बट यहाँ पे क्या है, आगे के मैचेस अगर हम चेज के साइड पे जा रहे हैं या फिर अगर हम चेज नहीं कर रहे हैं डिपेंड पे जा रहे हैं, तो अपने को स्टार्ट में बैटिंग ऐसी दिखानी पड़ेगी जिससे ज्यादा स्कोर बने और बॉलिंग पे ज्यादा प्रेशर ना आए। बट देखते हैं भाई आगे यहाँ पे क्या होने वाला है नेक्स्ट मैच अपना MI के साथ में। सो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, विराट कोहली के कैरियर मोड के सेकंड पार्ट के लिए 100 लाइक्स कर देना इस वीडियो पे। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय एंड राधे राधे। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey!